नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड क्रीम के बारे में। इसके फायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको लगाना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, क्वाड क्रीम आती है लेबोरेट कंपनी की और इसका MRP है 65 रुपये 75 पैसे 5 ग्राम की ट्यूब का। लेकिन दोस्तों, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें जो सॉल्ट है वो है क्लोविटासोल प्रोपिनेट, न्यूमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल निट्रेट एंड क्लोरोहेक्सीडाइन ग्लूकोनेट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग दाद, खाज, खुजली, जांघों के बीच की दाद, खाज, खुजली, पसीने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाती है अगर जांघों के बीच में तो भी इसको लगाया जा सकता है, और खुजलीदार लाल चकत्ते, डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम, एक्जिमा, हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, छाजन, चर्म रोग, रिंग वॉर्म, और साथ ही साथ फोड़ा फुंसी है अगर तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे छोटे दाने हैं उसको भी ये ठीक कर देती है, जख्म, घाव, छोटे मोटी खरोंच वगैरह उसमें भी इसको लगाया जा सकता है, चेहरे के ऊपर कील मुहासे हैं तो भी इसको लगाया जा सकता है, दाग धब्बे हैं उसको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने भी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लगाने का तरीका जो है सुबह शाम लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल हफ्ते से 10 दिन 12 दिन तक इस्तेमाल करने को बताया जा सकता है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना और जितने दिन आपको डॉक्टर बोलें उतने दिन ही इसका इस्तेमाल करना। हो सकता है आपकी इन्फेक्शन जो है ज़्यादा है या कम है तो आपको कम दिन भी बता सकते हैं, ज़्यादा दिन भी बता सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है इसको लगाने से, वो होते हैं अगर किसी को लगाने से जलन होती है, खुजली होती है या फिर रेडनेस आ जाती है या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं इसको लगाने से, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। धन्यवाद।